तो भैया मेरा रिवेन्यू है इस बार का 2,00,000। चले गाइस यार, मम्मी पापा को एक सरप्राइज देते हैं मेरी जान। सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। सो जय श्री राम मेरी जान। सो गाइस यार, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी जान। सो गाइस यार, आज के इस शुभ अवसर पर मेरे को एकदम पुल पार वाला खुशखबरी मिल गई है मेरी जान, जो कि भैया अपना सेकंड पेमेंट फाइनली आ चुका है मेरी जान। पैसा ही पैसा हो गया। सो गाइस यार, चलिए अब चलते हैं भैया, पैसा ही पैसा होगा ऐसा आपको लग रहा होगा, देखते हैं भैया कैसा होगा। हाँ तो चलो चलते हैं, अब एटीएम चलते हैं और निकालते हैं भैया पैसा। तो चलिए तब तक आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, फिर अपन लोग जाएंगे पुल पार मैया का दर्शन करने, अपना गिरोला टेम्पल जो कि फेमस है मेरी जान। तो चलिए गाइस चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, आज का सीन क्या होने वाला है। तो चलो अब चलते हैं। अरे अरे रुको भैया, अगर रिवेन्यू जानना है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना मेरी जान। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट एकदम पुल पार मैं एटीएम के पास आ चुका हूँ। सो चलिए अब अपना जो भी रोकड़ा वोकड़ा जो ये निकालते हैं और मिलते हैं मेरी जान थोड़े देर में। सो देखते हैं भैया। सो चलिए तब तक आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। सो चलो चलते हैं। तो गाइस यार, फाइनली पुल पार में अभी जस्ट अपन लोग एटीएम से निकल गए पुल पार में और पैसा वैसा जो भी है निकाल लिया। और भैया मौसम है सुहाना और भैया अपन को जाना है मंदिर थोड़े देर में, तो देखते हैं भैया क्या सीन रहता है। तो चलिए अब चलते हैं। सो दोस्तों अभी भी जस्ट पुल पार में मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और भैया मम्मी पापा को पता नहीं है कि पैसे आ गए हैं पुल पार में, और भैया उनका रिएक्शन चेक करते हैं। और भैया आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस शुभ अवसर पर, भैया इतनी खुशी मिल रही है मुझे। सो आप सभी का दिल से शुक्रिया, जितना बोलूँ शुक्रिया उतना कम है मेरी जान, और भैया आप सभी के कारण ही ये मुमकिन हो पाया है। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए अब मम्मी पापा का रिएक्शन देखते हैं। सो चलो गाइस चलते हैं। गाइस यार, फाइनली मैं अपना सेकंड पेमेंट मेरे मम्मी पापा को दे चुका हूँ। और भैया तो कुछ बोल दीजिए पापा। आप सबको लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बेटा को इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ाते रहना। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलिए गाइस चलते हैं पुल पार में। सो जो काम अपना करना था वो कर लिया और भैया बहुत ही मन को शांत और खुशी मिल गई है पुल पार में। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर चलते हैं और दर्शन करते मेरा मतलब दर्शन करते हैं मैया का। तो चलो गाइस अब चलते हैं। सो दोस्तों अभी जस्ट मैं तैयार हो चुका हूँ। सो चलिए अब चलते हैं मैया का दर्शन करने गिरोला के टेंपल में। सो चलो गाइस अभी अपन पूरा मम्मी पापा सब अपने परिवार वाले जा रहे हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और भैया आनंद सुकून और आपको भी दर्शन करवाते हैं मेरी जान। तो चलो चलते हैं। तो गाइस यार अभी जस्ट अरे यार गले मिलो मेरी जान। तो गाइस यार अभी जस्ट अपन पुल पार गिरोला में पहुंच चुके थे और क्यूट से सब्सक्राइबर्स लोग पुल पार मेरी जान। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूं पुल पार में मंदिर के पास। तो चलिए पूजा का सामान लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में दर्शन करने के बाद मेरी जान, और दिखाते हैं मंदिर का कुछ नज़ारा। तो चलो गाइस चलते हैं।
गाइस सर फुल पावर, अभी मंदिर में अपन लोग एंट्री मार चुके हैं, सो चलिए मैया का दर्शन करते हैं। और उससे पहले जय बजरंगबली मेरी जान। तो चलो गाइस अब चलते हैं, ब्लॉक करते हैं कंटिन्यू। और इस पेड़ में आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये है एक चुनरी जिसका भी जो भी मन्नत रहता है, सो ये पीपल के पेड़ में मतलब बांध के अपना मन्नत पूरी करते हैं मेरी जान, और भगवान उसकी मन्नत पूरी कर ही देते हैं मेरी जान। तो चलो गाइस अब चलते हैं, दर्शन करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट पूरा दर्शन वर्शन जो भी हो चुका है, और भैया जो मन को शांति मिल रही है ना, इतना सुकून सा लग रहा है, क्या ही बोलूं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, अब घर की ओर चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान, हे मैया रानी। देखो मेरे ऑडियंस को एकदम हमेशा खुश रखना, बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भगवान जी से। और भैया ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे को भी। तो चलो गाइस अब चलते हैं, ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो चलो गाइस चलते हैं। भाई सर अभी मैं आया था मंदिर के बाहर, अभी अभी जस्ट मैं दर्शन करके आया था। और भाई यार फुल पावर, हाँ मेरी जान, फुल पावर सब्सक्राइबर्स मिल गए। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, मैं मुलाकात करता हूँ अपने घर पे फुल पावर में। तो चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, सो चलिए अब फ्रेश होके निकलते हैं अपन जगदलपुर की सड़कों में मेरी जान। तो चलो गाइस अब चलते हैं, उधर का सीन क्या होने वाला देखते हैं। तो चलिए फ्रेश होने के बाद निकलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो गाइस चलते हैं। उसको निहारे तू और जो गर्विदा है। तो भैया चलिए आज के सफर को स्टार्ट करने अपन लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमेशा की तरह अपने अड्डे में फुल पावर में। तो चलो गाइस चलते हैं। और भैया अभी थोड़ा पंची वंची नहीं आए हैं, सब लोग उड़ रहे हैं का ही बोले। तो चलो गाइस अब चलते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं पंची लोग। तो चलो चलते हैं। सो गाइस एक फ्रेंड आ रहा है हमारा पुल पार में, वो डीजे बजाता है पुल पार, सो उसके आने से अपन लोग नाचने वाला प्रैंक बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। डीजे अमर, गाइस ये मेरी फ्रेंड है, बहन हूँ। देखा हजारों दफा आपको, देखा हजारों दफा आपको। कौन है जानता था जगदलपुर में, हम लोगों की वजह से इसको नहीं जाने कोई, मतलब जाने बहुत लोग। बाबू भैया इतना भैया सस्ता नशा से जा रहे। सॉरी 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 सॉरी, मेरे को बहुत दिमाग खराब है गाइस। बना ए तू स्टार्ट कर रहे ए, चलो चलो गैरेज चलो, दिमाग खराब है। गाइस दिल वाले हम हैं और दुल्हनिया ये है। दोस्तों फाइनली दिल का दरिया बह गया, हाँ माय ड्रीम गर्ल, माय सब कुछ, माय लाइफ, माय जान है सब। ना जाने कैसा एहसास है, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को गाइस बहुत दिनों बाद हमारे क्यूट से दादी मिल चुके हैं, बहुत दिन इतना मिस किए हैं। लव यू दादी, लव यू टू, बोल दो लाइक। तस्वीर से तो निकल के सामने आ, तेनु ले के मैं जावांगा दिल दे, तेनु ले के मैं जावांगा दिल दे। कहीं जुल्प का बादल ओ हो, कहीं रंगिया चल आहा। ओ यार यार ये कितनी औसम है यार। तो गाइस मैं चश्मा पहन लिया हूं गाइस, झूम बराबर झूम क्या भैया, ये कौन सा नशा रे मारी है भैया, गाइस भैया कौन सा नशा है भैया। फाइनली गाइस मेरा दोस्त का छीलन है दिल दरिया, मस्त वायरल जाता है मेरी गर्लफ्रेंड करिया
हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? झूम बराबर झूम सराबे झूम बराबर झूम। हाँ तो गाइस चैनल टू में गाइस एंड कर रहे हैं गाइस अभी बिलो खो। हाँ तो हे हे मैं बोलता हूँ। हाँ गाइस ये मेरा झूम सराबी शंकर शंकर का फेटे में चारी का ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। डर लग रहा है। चुप चुप। को करो लाइक और चैनल को करो शेयर और लाइक को सब्सक्राइब। बाय बाय मिलते हैं। आई लव यू। सो हे गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे। और भैया कल मैं रिवेन्यू रिवील करना भूल गया था तो भैया मेरा रिवेन्यू है इस बार का। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। एमसी स्टैंड का एक जूता मतलब एक जूता आ जाएगा गाइस। पैसा ही पैसा होगा एकदम पुल पार में तो आप लोग समझ ही जाना क्या ही बोले। सो समझ जाओ और क्या ही बोले बताने की जरूरत नहीं है। और भैया यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है तो थोड़ा क्लियरली अपन नहीं बता सकता पर भैया एमसी स्टैंड का एक जूता तो आ ही जाएगा। सो चलिए अब चलते हैं ब्लॉग को एंड करते हैं तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो चलिए अब चलते हैं।